Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is Dr. Paridhi, your dental mate, sharing with you my simplified versions of dental learning. So, for today, our topic is perichymeter. It is also known as imbrication lines of Becquerel. See, perichymeter, it is a surface structure of enamel. If this question is asked separately as a short answer question, you need to mention this in the following points, that is introduction, location, thickness, but generally this is asked as a part of surface structures of enamel. Matlab, surface structures of enamel ek short answer question alag se aayega, in which you need to mention about perichymeter also, or the imbrication lines of Becquerel. So what are perichymeter? These are the external surface manifestations of the incremental lines as shallow furrows. Means, अगर हम एक टूथ देखें उसमें जो इनामल के इंक्रीमेंटल लाइन्स है, दैट इज़ द इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ रेट्सियस और द स्ट्राई ऑफ रेट्सियस, व्हेन इट इज़ रनिंग फ्रॉम द डेंटिनो इनामल जंक्शन टू द सर्फेस, तो सर्फेस में इट इज़ फॉर्मिंग शैलो फरोज, ठीक है, दैट इज़ नोन एज द पेरिकाइमेटा. सो दिस इज एक्सटर्नल manifestation of incremental line as shallow furrows. So see, there is what meeting of the incremental line which is running from the dentino enamel junction in an oblique direction to the surface. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी वजह से बहुत सारे वेव लाइक ग्रूव्स बनते हैं टूथ में. एक्चुअली इट इज लाइक दिस, सी, ठीक है, अब यहां पे भी बन गया, यहां यहां. सो बहुत सारे क्या बनते हैं, वेव लाइक ग्रूव्स आर फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल सर्फेस. ठीक है, सो ये जो वेव लाइक ग्रूव्स हैं अलोंग विथ, जिसमें क्या है, देखो ये जो वेव लाइक ग्रूव्स हैं दे आर ऑल्सो शोइंग सी सर्फेस एलिवेशंस. ये सर्फेस एलिवेशंस हैं जिनके बीच में डिप्रेशंस हैं. तो ये जो सर्फेस एलिवेशंस हैं दे आर नोन एज रिजेस, पेरिकाइमेटल रिजेस या फिर क्रेस्ट. ठीक है, सर्फेस एलिवेशंस को क्या बोलेंगे, रिज या फिर क्रेस्ट. और जो उनके बीच के डिप्रेशंस हैं, दैट डिप्रेशन इज नोन एज पेरिकाइमेटल ग्रूव और फरो. ये जो डिप्रेशंस हैं, ये this is known as perichymeter groove या फिर furrow. ठीक है, now location, it is located basically in the middle third and the cervical third of the facial aspect. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो incremental lines हैं वो incomplete रहेंगी, और ये जो इनकम्प्लीट स्ट्राई हैं इंस्टेड ऑफ कोर्सिंग अराउंड द टूथ ये जाते हैं आउटर सर्फेस पे फ्रॉम द डेंटिनो इनामल जंक्शन. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द थिकनेस, इट इज़ यूजुअली सीन इन द अनइरप्टेड सॉरी न्यूली इरप्टेड टीथ. अब इसका नंबर, मतलब कहाँ पे कितने प्रेजेंट हैं. सो इन द सर्वाइकल एरिया देर इज 30 पेरिकाइमेटा पर मिलीमीटर्स, वेर एज इन द इनसाइजल एरियाज
देर इज 10 पेरिकाइमेटा पर मिलीमीटर्स, ठीक है. तो सर्वाइकल एरिया में 30 और इंसाइजल एरिया में 10, एंड इट इज़ यूजुअली सीन इन द मिडिल थर्ड एंड द सर्वाइकल थर्ड बिकॉज यू द इंक्रीमेंटल लाइंस आर इनकम्प्लीट. इट इज़ नॉर्मली सीन इन द न्यूली इरप्टेड टीथ. इट हैज़ ऑल्टरनेट रिजेस एंड ग्रूव्स लाइक सी. देखो अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने दो मार्कर्स रख दिए, ठीक है, ये दो रिजेस हो गए, इनके बीच में एक ग्रूव है. सो दिस इज़ वॉट, ये ग्रूव में आके अगर नीचे से सपोज इफ सम लाइन इट इज़ अटैचिंग हियर तो इट वुड फॉर्म अ डिप्रेशन, राइट. ये देखो ये, सो दिस इज़ वॉट दीज आर द रिजेस एंड दिस इज द ग्रूव विच इज़ फॉर्म, दैट इज़ द सर्फेस एलिवेशंस एंड द सर्फेस डिप्रेशंस. पेरिकाइमेटल रिज और द क्रेस्ट एंड दिस वन, दिस ग्रूव, इट इज़ द पेरिकाइमेटल फरो और द पेरिकाइमेटल ग्रूव, ठीक है, ये डिप्रेशन. दिस इज इट अबाउट द इम्ब्रिकेशन लाइन्स ऑफ पेक्टोरल और द पेरिकाइमेटा. इट इज़ अ सर्फेस स्ट्रक्चर ऑफ एनामल. Now do not forget to like, share and subscribe to my channel. Hit the bell icon if you don't want to miss the latest updates. Also do let me know in the comment section below if this video has helped you in any way, as this would boost me to make videos of even better version for you all. Stay tuned, keep visiting. Thank you.